Hi everyone, welcome to Debug Vlogs. So previous video में I had explained different status and different queries and all. So इस video में भी जो है different queries लेने वाला हूँ और आपको जो है onboarding process और Cognizant के updates के बारे में बताने वाला हूँ. So let's begin with this video. So first queries like can we get time to update documents if there is any mistake in name or any other details while background verification? Yeah, actually you will get some time. आपको कुछ टाइम तो मिल सकता है, लेकिन बेटर है आपको जो भी DOG है उसके एक महीने पहले तक जो है सब कुछ आप कर देंगे तो बेटर है. सो दैट जो भी प्रोसेस है और जो भी DOG है उसके पहले आप कर देंगे तो आपको जो है DOG के दिन जो है अनबोर्ड किया जाएगा. अदरवाइज़ जो आपका DOG वगैरह एक्सटेंड हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बोलूँगा लाइक आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है और आप जब भी सेलेक्ट हुए हैं तो उसके सिलेक्शन के बाद जो आपको एक मेल मिलता है कि यू हैव बीन सेलेक्टेड एंड प्लीज़ बी रेडी विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स. सो जो भी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेसिकली मैं उन लोगों को बात कर रहा हूँ जिनको अभी हाल ही में मिला है. सो वो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें अगर कोई करेक्शन करना है तो आप पहले से ही करा के रखें, बिकॉज आपका ये जो है करियर का सवाल है, ये फर्स्ट जॉब का सवाल है. लाइक अगर फर्स्ट जॉब में आप लाइक एंटर हो जाते हो तो आपको इन फ्यूचर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है. सो बेसिकली आप जो है कॉलेज के टाइम से ही सारा डॉक्यूमेंट्स अपना अपडेट रखें सो दैट जो भी प्रॉब्लम है वो सब सॉर्ट आउट हो जाए. ये जो सिचुएशन है थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है अगर लेट्स से आपका जो है DOG वगैरह निकल जाता है और आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई नहीं होता है तो आपका जो है मे बी कैंडिडेट जो है आपका कैंसिल कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में. सो आप जो है इस सिचुएशन में यही कर सकते हैं, आप जो भी रिक्रूटर है उनसे जो है आप कंसल्ट कर सकते हैं और फिलहाल के लिए आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आप अपलोड कर दीजिए. साइड बाय साइड आप अपडेट करने के लिए जो है दे सकते हैं सो दैट वो डायरेक्टली जो है लेट से अगर आप आधार कार्ड वगैरह अपडेट करने के लिए दे रहे हैं तो आधार कार्ड वो लोग ऑनलाइन चेक करके देख सकते हैं कि एग्जैक्टली आपका क्या नेम है और वो आप बाद में चेंज कर सकते हैं. सो बेसिकली मैं यही बोलूँगा कि जो भी आपके पास फ़िलहाल डॉक्यूमेंट्स है अगर वो विद इन लाइक 10 डेज 15 डेज तक रेडी हो जाता है तो आप न्यू डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज जो है पुराना ही अपलोड कर दीजिए और साइड बाई साइड आप अपडेट करने के लिए दे दीजिए. सो दैट अगर रिजेक्ट भी होता है तो आप उतना दिन तक जो है रेडी करके रखेंगे डॉक्यूमेंट्स तो आप जो है अपलोड कर पाएंगे और कोई प्रॉब्लम फिर नहीं होगा. सो नेक्स्ट क्वेरी है ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट करने के बाद क्या ये जॉब हम रिज़ाइन कर सकते हैं? यस, एक्चुअली रिज़ाइन कर सकते हैं अगर आपको करना ही है तो. और बाकी प्रोविजन पीरियड में आप जो है रिज़ाइन कर सकते हैं, वैसा कुछ नोटिस पीरियड वगैरह नहीं होता है. बस आपको जो है अपने HR वगैरह से जो है मैनेजर वगैरह अगर साइन होते हैं तो उनसे जो है कंसल्ट करना पड़ता है कि आप रिज़ाइन दे रहे हो और ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या फिर जो भी आपका रीज़न है वो आप दे सकते हो और आप रिज़ाइन कर सकते हो. In this query, like they are asking about that onboarding page is not loading and whatever, like वो load नहीं हो रहा है. So basically जब भी आपको ऐसा mail आता है like you have to accept a particular offer letter. So at the time like आपका जो है page वगैरह load सही से नहीं हो पाता है. So आपको जो है थोड़ा time wait करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपका जो भी update किया जाएगा like information उसमें update किया जाएगा, उसके बाद जो है जो भी पेज है आपका onboarding पेज है वो सब जो है normally open हो जाएगा कुछ time के बाद. तो सो वेट फॉर सम टाइम और वो जो है आपका अपडेट हो जाएगा, उसके बाद जो है आप उसको एक्सेस कर पाएंगे और उसमें जो है फॉर्म जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी एक्सेप्ट करना है वो आप कर पाएंगे इजीली. सो वेट कीजिए कुछ टाइम. सो दिस आर द क्वेरी, लाइक ये सभी क्वेरीज था और ये सभी अपडेट्स था. और एक अपडेट देना चाहूँगा DOG के रिलेटेड, लाइक डिफरेंट कैंडिडेट का जो है ओल्ड DOG जो भी रहता है लेट्स से उनका जो है DOG जो है 20 नवंबर का था और अभी तक जो है उनका OB पास वगैरह जनरेट नहीं हुआ है. तो 20 नवंबर को था तो अब जो है नेक्स्ट DOG उनको मिलेगा लगभग. उनको जो है बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट रहता है कि मेरे को OB पास वगैरह अभी तक नहीं मिला, क्या मैं रिजेक्ट हो गया हूँ? तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको जो है न्यू DOG जो है प्रोवाइड किया जा रहा है ड्यू टू सम रीज़न. अब वो रीज़न क्या हो सकते हैं मैं प्रीवियस वीडियो में भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो कि मैं फिर से दोबारा नहीं कर पाऊँगा बिकॉज एवरी वीडियो में एक ही चीज़ एक्सप्लेन करना वो तो सही नहीं रहेगा. लाइक आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो. सो बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा क्वेश्चन था कि न्यू DOG मिलने में कितना टाइम लगता है. तो ये जो है ऑन एन एवरेज अगर बोले तो 20 डेज़ में आपको जो है मिल जाना चाहिए. 2 to 3 weeks आप ले सकते हैं कि लगता है और आपको जो है न्यू DOG वगैरह मिल जाता है. सो बी प्रिपेयर्ड, लाइक जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रिपेयर करके अच्छे से रखें. जब भी मैं तो एक यही गाइड देना चाहूँगा, लाइक आप जब भी सेलेक्ट होते हैं उसके नीचे आपको जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए आपको जो एक लिस्ट दिया रहता है तो वो सारी लिस्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन रहते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर करके रखें सो दैट आपको जो है BGP प्रोसेस वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर जब भी आप ज्वाइन करेंगे या फिर प्रोसेस जब भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह जब भी होगा तो. सो कमेंट कीजिए अगर कोई और डाउट है आपका सो दैट आई कैन मेक पर्टिकुलर वीडियो फॉर यू. और
इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन और जो भी अपडेट्स आपको मिल जाएगी. सो लेट्स मीट इन अनदर वीडियो नेक्स्ट. और नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा लाइक जेंसी डेवलपर से जेंसी नेक्स्ट डेवलपर में कैसे आप कन्वर्ट कर पाएंगे खुद को, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो लाऊंगा. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. फुल डिटेल्स मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. लेट्स मीट इन अनदर वीडियो. टिल देन टेक केयर.